हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्य पत्रक 30 को हल करना सीखेंगे, जिसमें बच्चों हम समय मापन से संबंधित जोड़ और घटाव सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? समय से संबंधित जोड़ और घटाव। बच्चों आप सब जानते हैं कि एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। एक घंटे में बच्चों कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। कितनी मिनट होती है बच्चों? 60 मिनट। और सेकंड कितनी होती है एक घंटे में बच्चों? 3600 सेकंड। कितनी होती है? 3600 सेकंड। फिर बच्चों एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में बच्चों 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये छोटी चीजें आपको थोड़ी याद रखनी है। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला है 4 मिनट। तो बच्चों एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। कितने होते हैं? 60। तो बच्चों 4 मिनट में कितने होंगे? तो बच्चों 4 गुणा क्या करना है? 60। तो कितना आ जाएगा? 240 सेकंड। 4 का गुणा करना है 60 से, 240 सेकंड। अगला है 3 घंटे। तो बच्चों एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। 3 घंटे में कितनी होगी बच्चों? 3 गुणा 60 यानी बच्चों 180 मिनट। अगला बच्चों 4 घंटे और 30 मिनट। तो बच्चों 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब कितनी मिनट होगी बच्चों? 240, क्योंकि बच्चों 4 का गुणा किससे करेंगे? 4 का गुणा करेंगे 60 से। तो कितना हो गया? 240 प्लस 30। तो 240 प्लस 30 तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 270 मिनट। कितना हो जाएगा? 270 मिनट। अगला बच्चों एक घंटा किसके बराबर होगा? 60 मिनट के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर आप कितना करना है? आपको 30 करना है। कितना करना है? 30। ये थोड़ा सही नहीं लिखा, ये हो गया 30। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित को जोड़कर लिखिए। आपको जोड़ करनी है 4 घंटे 3 घंटे और 1 घंटे। बच्चों 4 और 3 7 और 1 8, कितने घंटे हो गए? 8। अगला बच्चों 4 घंटे 10 मिनट और 3 घंटे 50 मिनट। तो बच्चों 4 घंटे और 3 घंटे, 7 घंटे 10 मिनट और 50 मिनट, 60 मिनट यानी 1 घंटा और हो गया। तो 4 और 3 7 और 1 8। अगला बच्चों 9 घंटे 45 मिनट और 12 घंटे। तो बच्चों 12 और 9 कितना हो गया? 21 घंटे। और ऊपर कितनी मिनट है? तो वो है आपकी 45 मिनट। ठीक है, इधर क्या आएगा? 0 0 मिनट। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित को जोड़कर लिखिए। 4 घंटे 3 घंटा और 1 घंटे, कितना हो गया टोटल? 8 घंटे। अगला 4 घंटे 10 मिनट और 3 घंटे 50 मिनट। तो बच्चों 50 मिनट और 10 मिनट कितनी होगी? 60 मिनट यानी 1 घंटा ये हो गया। तो 1 घंटा ये, 3 ये, 4 और 4 और 4 8 घंटे और 00 मिनट। फिर बच्चों 9 घंटे 45 मिनट और 12 घंटे, तो 12 और 9 कितना हो गया? 21 घंटे और कितनी मिनट? 45 मिनट। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 4, हल कीजिए। घंटे और मिनट में समय दिया हुआ है। बच्चों 5 और 0 5, 4 और 1 5, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। 18 घंटे और 55 मिनट। अगला बच्चों 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है बच्चों, देखो 5 और 5 10 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8। ठीक है, अब बच्चों यहां पर कितना हो गया? 5 और 4 9 और 3 और 1 4। अब देखो बच्चों 80 मिनट तो होती नहीं है, यहां पर कितनी मिनट होगी? 60 मिनट। और ऊपर कितनी मिनट है? 20 मिनट एक्स्ट्रा है। ठीक है बच्चों, ऊपर कितनी मिनट एक्स्ट्रा है? आपकी 20 मिनट एक्स्ट्रा है। तो बच्चों देखो, यहां से ये 1 घंटा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहां पर? अब 49 की जगह कितना होगा? 50 घंटा, क्योंकि ये 60 मिनट इधर जुड़ेगी। तो बच्चों उत्तर कितना आएगा? 50 घंटे और 20 मिनट। कितना आएगा? 50 घंटे और 20 मिनट। अगला है बच्चों घंटे और मिनट की आपको घटाव करनी है बाकी, क्योंकि बच्चों 35 में से 40 नहीं जाता, तो यहां से हम क्या करेंगे? 1 घंटा उधर भेजेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर कितना हो जाएगा? 27 घंटे। यहां पर कितना हो जाएगा? 60 प्लस 35, क्योंकि बच्चों 1 घंटा उधर जा रहा है, मतलब कितनी मिनट उधर जा रही है? 60 मिनट। तो कितना हो जाएगा? 5 6 और 3 9। ठीक है बच्चों, 95 में से 40 घटाना है, 95 में से 40 जाएगा बच्चों,
तो 95 में से 40 जाने पर कितना बचेगा, 55 मिनट, तो यहाँ पर आ जाएगा 55 मिनट। 27 में से 20 गया बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 7, यानी 7 घंटे और 55 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 15 घंटे और 18 मिनट में से 8 घंटे और 42 मिनट को घटाना है, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 6 घंटे और आ जाएगा आपके 36 मिनट। 6 घंटे और बच्चों 36 मिनट। देखो बच्चों कैसे आएगा, देखो 15 घंटे और कितना है 18 मिनट, घटाना कितना है 8 घंटे और 42 मिनट को। बच्चों यहां से एक हासिल भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 प्लस 18, कितना हो गया 78। बच्चों 78 में से 42 जाएगा, कितना आएगा 36, और 14 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 6, 6 घंटे और 36 मिनट। ठीक बच्चों, अगला है 16 घंटे 8 मिनट, 10 घंटे 23 मिनट, तो बच्चों इसका उत्तर आएगा 5 घंटे और 45 मिनट, कितना आएगा 5 घंटे और 45 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5, राम उदयपुर से नाथद्वारा बाइक से 2 घंटा 45 मिनट में पहुंचता है और श्याम उदयपुर से नाथद्वारा 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचता है, बताइए राम श्याम से कितने समय पहले नाथद्वारा पहुंचा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से घटा दो टाइम, 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा और 45 मिनट, इसमें से कितना घटाना है, 1 घंटा और 30 मिनट, 1 घंटा और 30 मिनट। देखो बच्चों 45 में से 30 जाएगा तो 15 मिनट, और बच्चों 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 1 घंटा और 15 मिनट पहले पहुंचेगा। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 6, कृष्णा प्रतिदिन इतनी पढ़ाई करती है, मीना इतनी करती है, तो बताइए कृष्णा मीना से कितना समय अधिक पढ़ती है, तो बच्चों बड़े में से छोटा घटाना है तो 3 घंटा और 15 मिनट, 3 घंटे और आपकी 15 मिनट, इसमें से कितना घटाना है बच्चों, 1 घंटा और 45 मिनट, 1 घंटा और 45 मिनट। तो बच्चों उत्तर कितना आएगा, उत्तर आ जाएगा बच्चों 1 घंटा और 30 मिनट, कितना आएगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी जो कृष्णा है कृष्णा मीना से 1 घंटा और 30 मिनट ज्यादा पढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 30 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।